तो गई जो जो उठ चुका था, तो मैं उसको ना अपने पास में ले आई। ये रो रहा ऐसे रो रहा था। कमरे की होता ना टोपी, उसको कट करके इसका बन, जब देखो तुझे बदतमीज हो गया हमारा जो जो बदतमीज। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत बहुत आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो अभी बज चुके हैं 9:30। तो भाभी यहाँ पर धुल रही हैं कपड़े, मतलब वॉश कर रही हैं, मशीन लगाई हुई है, तो ज़्यादा बच्चों के कपड़े नहीं है। जैसे बच्चे वो डेली मतलब जाते हैं ना ड्रेस वगैरह, तो वो निकाल के चले जाते हैं डेली के कपड़े, तो बस गोली में वॉश करने के लिए भाभी वॉश कर देंगी। तो यहाँ पर भाभी वॉश कर रही हैं कपड़े, तो मेरी टेंशन हो गई फ्री, आज वही वॉश कर देंगी। तो चलिए यहाँ पर बेड वगैरह कर लेती हूँ, यहाँ पर साफ़ सफाई, और ये मतलब कंबल बिछा के यहाँ काम चलता है गाइस, क्योंकि चादर में तो यहाँ ठंड भागने वाली नहीं है। और आजकल ना बारिश हो रही है देहरादून में, किस किस के यहाँ बारिश हो रही है प्लीज़ बताइएगा। और रिक्वेस्ट है प्लीज़, जो मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप कौन सी कंट्री से हैं, कहाँ से हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अच्छा लगेगा। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फैमिली दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो चलिए यहाँ पर बेड को मैं भी क्लीन कर रही हूँ, मतलब छोटे मोटे जो है कपड़े वो रख दूँगी, और कितना भी हम सेटिंग कर लेना फिर भी बच्चे, हाँ मतलब बच्चे आते ही ना घर में फिर से घमासान युद्ध सा हो जाता है कि हमने सफाई की थी घर में या नहीं की थी। सच में गाइज मुझे तो ऐसा ही लगता है, बट अभी तो मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ, जो मतलब बच्चे इधर उधर फैला के चले जाते हैं। तो अभी मेरा भतीजा है हर्षित, और इसको भी अगले साल स्कूल में भेजना है इसको भी, तो यहाँ पर इसको ना बहुत खुशी मिलती है, मतलब जब वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो बोलेगा बुआ वीडियो बना लो। तो बस कपड़े वगैरह जो रख दिए मैंने बच्चों के, आज बच्चों की हाउस ड्रेस भी थी, तो बस हाउस मतलब ये यूनिफॉर्म आजकल बच्चों की मतलब बहुत ज़्यादा हो गई है। कभी हमारे जब हम स्कूल जाते थे कभी एक ही मतलब एक ही ड्रेस रहती थी, ज़्यादा नहीं रहती थी, और किस किस के टाइम पे कितनी ड्रेस रही है प्लीज़ बताइएगा। और बच्चों की ना तीन तीन ड्रेस है। तो कहीं सभी आ चुका है बंदर, बंदर ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। तो भाभी जा रही थी कपड़े फैलाने के लिए, तो वो ऊपर से नीचे आ गई थी, मैंने कि कोई बात नहीं वाइपर लेके चलते हैं अभी, तो यहाँ पर म्यूट कर दी आवाज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। तो हर्षित हंस रहा है यहाँ पे, तो चलिए वाइपर पहले भी टूट चुका था मेरा, मारने के लिए तो मेरा वाइपर ही नीचे गिर गया था गाइस। अभी भाभी को डालने हैं कपड़े और मशीन लगाई है उन्होंने, तो चलिए दूसरा वाइपर तोड़ने का स्टार्ट करते हैं। ये देखो गाइस वो चले गए भाग के, यहाँ पेड़ पे चले जाते हैं, नहीं जाना है। ये देखो दिख रहे हैं आपको, ये बहुत बदमाश हो गया सच में, पूरा दिन यही रहते पूरा दिन, यहाँ रख दो अभी वाइपर पूरा दिन, और देखो दिखेगा कैसे, गाइस कितना गुस्सा हो रहा है ये। वाह वो भाग गया वो, अरे वाह लकड़ी भी तोड़ दी, थोड़ा लगाते भाई पर अभी फैला रही है कपड़े और सूर्य देवता के दर्शन कर लीजिएगा, दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। देखिए काफी अच्छा मौसम है गाइस, आज बहुत प्यारा मौसम हो रहा है वैसे। और ये रजाई मैंने यहाँ पर डाल दी है, इसमें मुझे ना कवर चढ़ाना है, कवर मैंने जो था कवर मैंने धुल धुआ था मतलब वॉश कर दिया था। और यहाँ पर भाभी डाल दिए कपड़े, और बच्चे जा चुके हैं गाइज स्कूल, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं गाइज अभी, और ठंड इतनी मतलब ज़्यादा हो रही थी। और देखिएगा मतलब पहले से लिप्स थोड़े ठीक हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो गए थे। हर चीज ये फिर टूट जाएगा बेटा, फिर आ गए बंदर गाइज, इन्होंने बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। पहले पता बंदर जब एक बार आए थे तो मैंने वाइपर से ही लिख के पीछे भाग गई थी, तो वाइपर ना पता मेरा कहाँ गिर गया था, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे घर के पीछे ना एक यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर पूरा यहाँ पर खाला है, अभी बंदर नीचे बैठे हैं, तो जैसे मारा ना तो वो नीचे गिर गया पूरा, वाइपर डंडा मेरे हाथ में और वाइपर टूट के नीचे गिर गया, तो अभी भी डंडा नहीं मिला था। तो अभी मैंने देखा चूल्हा वगैरह ऐसा डाला हुआ था, इसको ठीक करती हूँ और मिट्टी लगवाऊंगी भाभी को इस पर। वैसे फिलहाल कभी कभी बनाती हूँ, ऐसा नहीं बनाते हैं, रोटी वगैरह बना लेते हैं या कभी जैसे हार्ट वगैरह सेकते हैं तो कर लेते हैं। और रात सड़क में कोई नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सुनसान है, सुबह से बहुत दिखती है। तो चलो फिलहाल चलते हैं, चलो हर्षित फिर काम आएगा, अभी मम्मी के और कपड़े भी हैं, फिर वाइपर काम आएगा हमारा है ना हर्षित, तो वाइपर यही रख देते हैं ना यहीं पे, नहीं नीचे रहते नीचे वाइपर हर्षित है ना हर्षित,
आज हर्षित बन गया हमारा बॉडी गार्ड। भाई बंदूक दिलाओ हर्षित को। हर्षित हर्षित पता तब वीडियो देखता है ना कहीं, तो बोलता मैं कहाँ हूँ। तो अब से हर्षित ज्यादा वीडियो में आया करेगा है ना हर्षित। किस कर दो ऐसे कर दो। चलो उसको साथ नहीं लेगी तो गुस्सा हो रहा है देख लीजिएगा। क्यों गुस्सा हो रहा हो, क्यों गुस्सा होगी मेरे जो जो है। मैं बात नहीं करूंगा आपसे, मैं बात नहीं करूंगा आपसे। क्यों मैं कहाँ गंदी हूँ, अच्छी हूँ बेटा। अब ऊपर लेके जाती है मैं ऊपर बंदर थे बहुत बड़े बड़े, एक हाथ खींचता और एक कान खींचता। ये कान है मुझे, घर का काम कौन करेगा है? कौन करेगा घर का काम तेरा बापू है कौन? चल आज शाम को तो ही कर, मैं तो करने वाली नहीं हूँ। बस इसके साथ ना यही लगे रहो खेलते रहो और कुछ काम नहीं है। आज गाइस मुंह धोने का भी मतलब मन नहीं कर रहा, इतनी ठंड लग रही है गाइस सच बताऊं ना, हाथ भी बहुत ठंडे ठंडे। और इसको ना और इसको 24 घंटे ना इसको गोद में लेके घूमते रहो। बहुत क्यूट है ना गाइस, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये। पर ये ना समझदार भी बहुत है, जब उसको टॉयलेट पॉटी वगैरह आती है तो कू कू करने लगता है कि नीचे उतार दो मुझे। चलो अभी तो गुस्सा नहीं है और कांप देखो कैसे रहा है। जुजू हेलो कर दो, जुजू गुड मॉर्निंग कर दो, जुजू गुड मॉर्निंग, जुजू गुड मॉर्निंग कर दो जुजू। इसमें डाल के दिया था, थोड़ी चाय डाल दी थी मैंने आज, तो चलो इसको थोड़ा सा गर्म दूध करके दूंगी। और भाभी श्री के धुल गए कपड़े अभी। तो फ्रेंड्स अभी अभी मैं आ गई हूँ और देखिएगा रजाई मैंने ऐसी डाल दी थी, तो मुझे ना कवर चढ़ाना है और कपड़े अभी आई हूँ जस्ट अभी अभी थोड़ी देर में ही। और पैदल पैदल चल के ना गाइस बहुत हाथ पैर दर्द हो गए। और बस अभी देख ली कपड़े उतार रही हूँ और चेयर पर रख दूंगी यहाँ पे, और जो बच्चों के छोटे छोटे हैं और मेरे जेठ जी ना यहाँ पर सामने रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस और सर में भी ना गाइस दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा से, तो बस कपड़ों की तह लगाऊंगी गाइस। और यहाँ पर अभी और उधर हस्बैंड के कपड़े भी वहाँ पे पड़े हुए हैं देखती हूँ। और ठंड लगने लग गई है, मैं स्वेटर नहीं डाल के गई थी गाइस, तो अभी जैकेट वगैरह डाल ले जा लूँगी, फिर अभी नीचे जाके स्वेटर वगैरह पहनूंगी देख लीजिएगा। और गाइस सच बताओ ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप मेरे चेहरे पे लगा सकते हैं कितना थक गई हूँ मैं। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, और व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, चलिए थोड़े व्यूज़ की तो कोई बात नहीं, और सपोर्ट कीजिएगा। और बच्चों की गाइस ना छुट्टी वाले दिन भी ना संडे का दिन ऐसे ही हो जाता है कि संडे के दिन थोड़ा सा छुट्टी 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 कहीं नहीं होती है, मम्मी की ड्यूटी ना उस दिन डबल हो जाती है सच में गाइस, होती है ना फ्रेंड उस दिन डबल छुट्टी हो जाती है बहुत ज़्यादा। सोचो ना कि आज इतना मतलब काम वाम नहीं करेंगे और उस दिन ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है, जो काम ना करो वो भी हो जाता है। तो आज मैंने मतलब किचन की क्लीन तो नहीं की थी, बट मैंने एक दिन पहले कर दिया था, मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी ना जो टंकी थी ना वॉश बेसिन वो ख़राब हो चुकी थी, तो मैं गई थी नीचे मतलब घूमने के लिए मार्केट में, और हस्बैंड ने मिस्त्री बुला के वो टूट फूट करवा दी, तो तब मैंने थोड़ा सा जो था मतलब क्लीन कर दी थी मैंने किचन, इसलिए मेरा कल का काम जो मुझे आज नहीं करना पड़ा संडे में, कोई बात नहीं। तो चलिए गाइस अभी और थोड़े से कपड़े रह गए हैं, और अभी ये और उतार लेती हूँ जितने से कपड़े रह गए हैं ये। और पता नहीं जो जो कहाँ है, जो जो मुझे मिले नहीं रहा है, जो जो देखा ही नहीं मैंने कि जो जो कहाँ गया है और कपड़े कैसे भर भर के कर रही हूँ मैं। और मैंने जो सुबह झाड़ू लगाई थी ना गाइस, मुझे इसमें कूड़ा भी आग लगानी है मुझे इसमें, तो चलिए। और गाइस मुझे 2 रुपए मिले हैं पैसे मिल गए, बच्चे डाल देते हैं ना तो अब बच्चों को दे दूंगी। तो चलिए गाइस अभी मैं पहले ये कपड़े रख के आती हूँ, और ये कपड़े रख के फिर ये लेके आऊँगी रजाई वगैरह, क्योंकि कंबल से तो यहाँ गाइस काम चलता नहीं है। तो चलिए, और पल्लू आप बोलेंगे रिंकी ने पल्लू ओढ़ रखा, मुझे पल्लू ओढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पर चलिए अभी इनको रख के आती हूँ। और ठंड लग रही गाइस मुझे बहुत ज़्यादा, तो चलिए। तो इस गाइस इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ यहीं पर, थोड़ा सा भी अच्छा लगे गाइस ब्लॉग तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर पहली बार आते हैं तो पहली बार चैनल को विजिट करते हैं और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं, बाय बाय।